तो फिर वो कहते हैं कि कि आपने जो है कॉपी कर ली वो जो फाइल है, और फिर जिस फाइल में जो है आप लेना चाहते हो लेके जाना चाहते हो है ना, तो उधर जो है आप उस पेज को जो है वो क्लिक कर सकते हो, उधर फाइल को जो है क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बोला गया है, नेक्स्ट ड्रैग द फाइल और फोल्डर टू द लेफ्ट, मतलब कि हाँ आपने मतलब सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर ली, फिर जिधर आप डेस्टिनेशन मतलब जिधर आप पहुंचना चाहते हो, मतलब जिधर आप जो है अपनी फाइल को रखना चाहते हो उधर क्लिक करोगे, उधर रख दोगे अपनी फाइल, उधर ड्रैग करोगे मतलब उधर लेके जाओगे। इफ यू ड्रैग एन आइटम While pressing the right button mouse, you can move, copy or create a shortcut to the file it is a new location। कहते हैं फिर जो राइट माउस का बटन है उसको दबा के instead of moving it, press and hold down control while dragging। कहते हैं कि उस जगह से जब आप मूव करोगे आपको प्रेस करना पड़ेगा और होल्ड पे रखना पड़ेगा और कंट्रोल जो है बटन को क्लिक करना पड़ेगा। इफ यू ड्रॉ ऑल द आइटम टू अनदर डिस्क इट इज कॉपी नॉट मूव, टू मूव द आइटम प्रेस एंड होल्ड डाउन शिफ्ट वाइल ड्रैगिंग। कहते हैं कि अगर आप छोड़ दोगे तो वो कॉपी जो है वो नहीं होएगा, आपको उसको मूव करते दबा के प्रेस करना ही पड़ेगा पड़ेगा, और अगर उसके साथ साथ आपको शिफ्ट की पे भी जो है उधर भी शिफ्ट की जो है वो भी क्लिक कर देनी चाहिए तब कि हाँ वो छूटे, मतलब आपका जो है आसानी से फाइल जो है वो ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नेक्स्ट ड्रैगिंग अ प्रोग्राम टू अ न्यू लोकेशन क्रिएट create a shortcut to that program, to move program right click and drag the program to the new location you must be logged on the admission to move up। कहते हैं अगर हमने ये चीज करना है ये ध्यान रख लेना कि हाँ आपने वो अकाउंट जो है वो जो चीज है वो खोली हुई है जिधर आपने जो है अपना ट्रांसफर करना है प्रोग्राम, ये नहीं आपने पासवर्ड लगाया हो ठीक है, पासवर्ड मतलब खोल खोल के रखना है कि ये जब एक फाइल से दूसरी फाइल जा रहे हैं तो फिर अगर बीच में पासवर्ड आ गया मतलब कोई जो चीज है फिर आप तब क्लिक नहीं कर पाओगे, बस कॉपी पेस्ट ही कर पाओगे एट अ टाइम। फिर आगे टॉपिक है क्रिएट अ न्यू फोल्डर, अगर न्यू फोल्डर बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर माय डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, फिर माय डॉक्यूमेंट्स में जो है फाइल वगैरह आपकी सारी खुल जाएंगी, फिर उधर न्यू में जाएंगे और फिर न्यू में फोल्डर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने न्यू फोल्डर बनाना है तो इसलिए, फिर न्यू फोल्डर जो है वो जो है डिस्प्ले होने लग पड़ेगा, उधर आप अपना नेम नूम लिखोगे, फिर टाइप ऑफ जो नेम है वो न्यू फोल्डर जो है वो आप उधर एंटर करोगे, उधर अपना फोल्डर का जो है न्यू नाम वो जो है दे दोगे ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट न्यू नेक्स्ट कहते हैं कि अब आप राइट क्लिक करोगे ठीक है, और फिर जो वो ब्लैंक एरिया है ना उधर जो है उधर आप ले अपनी में फोल्डर पे क्लिक कर दोगे, इससे क्या होगा आपका फोल्डर जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद में रीनेम अ फाइल फोल्डर, ये चीजों से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं क्योंकि हम पीडीएफ बना रहे हैं तो इसलिए हमें पता ही है कि हाँ रीनेम कैसे करना है फाइल को, ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि जैसे कि अगर पीडीएफ में हम फाइल का नाम ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्यूटर दे देता है ना, कोई नंबर पीडीएफ नंबर और ये ऐसे नंबर लिख देता है, अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं इसका हो इसका नाम हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उधर रीनेम कर सकते हो उधर क्लिक करके है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हो।
उसको डिलीट करके आगे डिलीटर फाइल या फोल्डर, अगर हमने कोई फाइल जो फोल्डर है वो डिलीट करनी है तो क्या करेंगे, स्टार्ट ऑप्शन में जाएंगे उधर माई डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे, फिर फाइल और जो फोल्डर जो है जो आप डिलीट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो डिलीट हो जाएगी आपकी फाइल और फोल्डर। ठीक है, अब वो फाइल और फोल्डर उधर से तो डिलीट होगी, अब रिसाइकल पिन में जो है वो फोल्डर जो है वो रहेगा, मैंने आपको बताया कि वहां से नहीं डिलीट होएगा। ठीक है, अगर आपने रिसाइकल पिन से डिलीट करना है तो रिसाइकल पिन में आप जाओगे और फिर उधर जाके डिलीट करोगे। To retry a delete file, double click on the recycle button and the dashboard. Right click on the file is retrieved and then click on restore. कहते हैं अगर मान लो आपने वो गलती से हमने डिलीट कर दिया और आप जो है वो चाहते हो वो मेरी फाइल जो है वापस आ जाए तो आप रिसाइकल पिन में जाओगे, उधर रिस्टोर का ऑप्शन होता है तो उधर से क्या होगी रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा जो फाइल जो आपकी डिलीट होगी थी वो दोबारा एज इट इज आ जाएगी, और अगर आप उसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट बटन को दबाओगे और रिसाइकल पिन पे जो है क्लिक कर दोगे, उससे क्या होगा आपकी फाइल जो है परमानेंट डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट, आगे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अगर हमने सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है वो इंस्टॉल करना है तो फिर क्या करोगे, Windows provide a quick and easy way to install new software, add and remove programs united to the control panel, help to manage the programs and components of the computer system. Such as Microsoft Word or Access Extra from a CD-ROM or a network drive or add or remove Windows updates and new features from the internet. This is being used to add and remove Windows components which cannot be used including in the original installation. अब कहते हैं कि अगर आप कोई चीज जो है प्रोग्राम वगैरह बनाना चाहते हो बना सकते हो बड़े आराम से, है ना, जो कंप्यूटर वगैरह में इंस्टॉल करना चाहते हो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए, एक रोम चाहिए, है ना, नेटवर्क ड्राइव चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो पीछे से डाली ही जाती है ना, जब हमारे पास आती है वो डाल के ही आती है, ये चीजें मतलब पार्ट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए तभी जो आपका विंडो जो है वो चीज जो है चल पाएगा। एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो एक माउस और कीबोर्ड ही नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर चला पाओगे, नहीं पॉसिबल, तो इन चीजों का होना जो है बहुत जरूरी है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, अगर हमने कोई इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर है ना तो क्या करेंगे, पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल जो है उस पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड और रिमूव प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, अगर हमने कोई जो प्रोग्राम है उसको बनाना है उसको ऐड करना है तो ऐड न्यू प्रोग्राम पे करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा जो वो प्रोग्राम जो है वो हमारे खुल जाएंगे, पुराने भी खुल जाएंगे और जो हमने न्यू बनाया है वो भी खुल जाएंगे, फिर जो हमने करना है आपको स्क्रीन में बता दिया जाएगा, जो आपने करना है तो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो अगर हमने जेरा भी सॉफ्टवेयर जो है जो भी चीज जो खोलनी है प्रोग्राम की उस प्रोग्राम को क्लिक कर दो और वो ही एज आपका सॉफ्टवेयर जो है वो खुल जाएगा। फिर आगे है चेंज और रिमूव सॉफ्टवेयर, अगर मान लो जो सॉफ्टवेयर है उसको आप चेंज करना चाहते हो या फिर उसको रिमूव करना चाहते हो तो क्या करना है, रिमूव इन द सेंस डिलीट, तो क्या करोगे स्टार्ट बटन में जाओगे, फिर कंट्रोल पैनल में जाओगे, ठीक है, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स करोगे, मतलब जैसे ऊपर की है वैसे ही करना है अपने, बस ऊपर क्या है आपने जो है न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करना है, क्यों, क्योंकि उधर जो है हमने प्रोग्राम ऐड किया था तो इधर इंस्टॉल नहीं करना, इधर आपने जो है रिमूव करना है जो उसको चेंज करना है, फिर क्या करोगे आप, पहले तो ऊपर वाला है थोड़ा करोगे कि स्टार्ट किया, कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, फिर उसके बाद में ऐड और रिमूव प्रोग्राम किया, फिर ऐड न्यू प्रोग्राम में गए, है ना, फिर हमने देखा कि जो हमारा जो चीज है जो हमारी प्रोग्राम है वो कहाँ की सीडी की फ्लिप फ्लॉपी ड्राइव में है, मतलब कि वो जो चीज है वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, वो देखोगे, फिर उधर आपको खुद ही जो है इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि हाँ यहाँ 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 क्लिक करो तो इससे आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो खुल जाएगा और वो इंस्ट्रक्शन जो आपने फॉलो कर लिए, ठीक है,
और फिर इसके बाद में जब आप रिमूव करना चाहोगे तो फिर आपने वो सेम ऊपर वाला करना है, एड और रिमूव पे पहले क्लिक करना है, फिर क्लिक ऑन चेंज और रिमूव प्रोग्राम्स एंड देन सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू चेंज और रिमूव। ठीक है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है चेंज और रिमूव प्रोग्राम पे जो है क्लिक करना है। उससे क्या होगा, अगर जब आप चेंज वाले पे क्लिक करोगे बटन पे, ठीक है, तो उससे जो है आप चेंज कर सकते हो अपने प्रोग्राम पे, और अगर रिमूव करना हुआ तो रिमूव वाले पे क्लिक करोगे और फिर जो आप रिमूव कर सकते हो उस प्रोग्राम को। एड न्यू फीचर्स फ्रॉम विंडोज अपडेट। अगर हमने कोई चीज जो आपने जो विंडो है उसको अपडेट करना तो क्या करोगे, सिलेक्ट क्लिक स्टार्ट, क्लिक कंट्रोल पैनल, डबल क्लिक ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, क्लिक विंडो अपडेट, फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू लोकेट एंड इंस्टॉल न्यू प्रोग्राम फीचर्स। आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद में कंट्रोल पैनल पे करोगे, उसके बाद में ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स है उधर क्लिक करोगे, फिर विंडो अपडेट आएगा उधर क्लिक करोगे, और फिर जब आप वो चीज खोलोगे विंडो अपडेट, फिर उधर आपको नीचे ये दिए जाएगा कि हाँ ये चीज करो ये चीज करो, तो ये चीज करोगे, फिर उससे क्या होगा आपका जो है अपडेट जो है वो शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। एड और रिमूवर विंडोज कॉम्पोनेंट। अगर विंडोज के जो कॉम्पोनेंट है एक स्क्रीन पे जो दूसरी खुल जाती है, दूसरी पे तीसरी खोल लेते हैं हम, ये चीजें जो है रिमूव करेंगे वो कैसे, टू बी एबल टू यूज द फीचर्स ऑफ विंडोज द यूजर मस्ट लॉग इन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं पहली बार जब हमने ऐसा करना हो जो पुरानी पुरानी जो हमें नहीं चाहिए होती उसको हम मतलब कि क्रॉस हमें कर देना चाहिए, जो क्रॉस का बटन होता है उस पर क्लिक करके उसको बंद कर देना चाहिए, पहले लॉग इन कर देना चाहिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट। स्टार्ट पे क्लिक करो, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करो, फिर ऐड और रिमूव प्रोग्राम पे क्लिक करो, फिर आपको इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि हाँ ये चीजें करो और वो चीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए। आजकल तो मतलब कि वो इंस्ट्रक्शन क्यों दे देते हैं, क्यों, क्योंकि आजकल इतने फीचर्स आ चुके हैं, तो उसके लिए जो है आप अब ये नहीं है हर एक फीचर के लिए कोई एक बाहर जाके ठीक करवाओगे, जब बाहर जाके पूछोगे किससे पूछोगे, तो इसलिए कंप्यूटर अपने आप ही जो है ये चीजें लिख देते हैं कि यूजर जो है जो यूज कर रहा है उसको परेशानी ना हो। ठीक है, परेशानी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, यूजर जो है उस कंप्यूटर वगैरह को लाइक करेगा, है ना, उसको पसंद करेगा कि हाँ यार ये वाला जो ब्रांड है ये बहुत अच्छा है, इसे ये होगा। नेक्स्ट, इंस्टॉल हार्डवेयर। अगर हमने कोई जो है हार्डवेयर इंस्टॉल करना है तो फिर क्या करेंगे, विंडोज कैन हेल्प अस टू सेट अप अ न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड और नेटवर्क कार्ड एक्सेट्रा टू योर कंप्यूटर। कहते हैं अगर हमने हार्डवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है तो क्या होएगा, अगर हमारा कोई वीडियो कार्ड नेटवर्क कार्ड जो है अपने जो कंप्यूटर में है वो डालना चाहते हैं, तो क्या उसका क्या प्रोसीजर है वो हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, स्टार्ट पे हमने क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे, फिर आप ऐड हार्डवेयर पे क्लिक करोगे, फिर होएगा इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, आपको नीचे लिखा आएगा कि हाँ ये चीज करो, स्क्रीन पे लिखा आएगा, उससे जो है आप जो है कर सकते हो हार्डवेयर के रिगार्डिंग अगर कुछ भी इशू आपको आता है कर सकते हो। चैप्टर फिनिश।